हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंदौर एक से विधायक और फिलहाल में इंदौर मेयर के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, विधानसभा कोई भी हो लेकिन मदद करने में संजय शुक्ला जी कभी पीछे नहीं हटते हैं। फिलहाल में चुनाव मैदान में वो हैं और प्रत्याशी चयन को लेकर भी, पार्षद प्रत्याशी चयन को लेकर भी कहीं ना कहीं उनका अहम रोल है और महापौर चुनाव को लेकर भी उनका अहम रोल है। इस सभी मुद्दों को लेकर हम संजय शुक्ला जी से बात करेंगे। शुक्ला जी, फिलहाल में बात करें चुनाव की तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं कांग्रेस के इस बार? सब मुद्दे मेरे नहीं है, जनता के मुद्दे हैं। जनता के बीच में जा रहा हूँ मैं। कल क्लात मार्केट भी गया, सराफा भी गया, व्यापारियों को परेशानी क्या होती है वो देख के आया। आम जनता के बीच में, गरीब परिवार के लोगों, जो कॉलोनियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, लगातार मैं घूम के देख रहा हूँ। क्योंकि 20 साल से इंदौर के मेयर जो भी चुने गए, जो भी उन्होंने क्या करा उनको मालूम है, पार्षदों ने क्या करा उनको मालूम है, अधिकारी क्या कर रहे हैं उनको मालूम है, उनके साथ अत्याचार हो रहा वो उनको मालूम है, पानी नहीं मिल रहा है पूरा पानी का पैसा दिया जा रहा है, कहीं भी संपत्ति के नाम पे 2 गुना पैसा उगाया जा रहा है, अवैध पैसा उगाया जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। रोड बनाई जाती है, रोड बना दी उसको खोद दिया, फिर ड्रेनेज डाल दी, फिर उसको खोद दिया, फिर पाइपलाइन डाल दी। ऐसा भ्रष्टाचार इंदौर शहर में हो रहा है जो कोई देखने को तैयार नहीं, ना कोई पार्षद सुनने को तैयार है, ना कोई नेता सुनने को तैयार है, ना मंत्री सुनने को तैयार, ना महापौर ना मुख्यमंत्री। जो अधिकारी कर रहे हैं, जो नेता कर रहे हैं वो होगा। ये पैसा जनता का है, इंदौर का है, कोई राज्य सरकार ने पैसा नहीं दिया है, ये जनता पैसा देती है। उस जनता के पैसे को बर्बाद 20 साल में जो होते हुए देखा इंदौर शहर ने देखा। इंदौर में 1 बना है तो जनता ने बनाया है, जनता ने पैसा दिया है, जनता ने कचरा उठा के डब्बे में डाला है, उसकी मेहनत है। जो सभी मित्र हमारे, वो दिन रात, दिन हो या रात हो या बरसात हो या ठंड हो या गर्मी हो, जरा काम करते हैं, रात में भी करते हैं, सफर भी करते हैं, उनके घर में कोई बीमार हो जाए तो काम करते हैं, उससे 1 बना। कोई भारतीय जनता पार्टी नंबर नहीं बनाया, इंदौर शहर में 5वीं बार 1 बना। और 3 साल से ना कोई मेयर है यहाँ पे, ना कोई पार्षद है, उसके बाद भी जनता ने 1 बनाया, कोई पार्टी ने नहीं बनाया। ये इंदौर शहर ऐसा शहर है, धार्मिक हो या राजनीतिक हो या सामाजिक हो या किसी की सेवा करना हो, उसके अंदर हमेशा 1 रहा। जैसे इंदौर 1 हुआ है, आप देखिए कोरोना महामारी के अंदर इंदौर के समाज के लोगों ने, संस्थाओं ने हजारों लाखों करोड़ों रुपये लेके, जो गुजरात महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं उनको खाना खिलाया, पानी पिलाया, चप्पल दी, कपड़ा दिया, बिस्किट दिए, फ्रूट दिया, सब कुछ दिया। कोई हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। उन्हें कोरोना के अंदर जो हो जाए मर जाए बस चिंता नहीं पाली उनने, जनता की सी भरी, परंतु सरकार ने यहाँ तक कि बस की व्यवस्था नहीं करी, उनको जाने की व्यवस्था नहीं, जैसे मर रहा मरने दो, चिंता नहीं पाली, अस्पताल की व्यवस्था नहीं करी, इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं करी, कुछ भी नहीं करा। ये जनता जानती है, जनता ने देखा है। ये कोई भी हो, पहली कोरोना महामारी हो या दूसरी कोरोना महामारी हो, में लोग लाशों के ढेर लगे हुए थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी, नए अस्पताल खोल नहीं रहे थे, बस खोला तो वो खोला जहाँ पर सब लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, एक खंडवा रोड पे, और वहाँ के 2-2 किलोमीटर पहले बैरिकेड लगा दिए कि वहाँ पर आलतू फालतू आदमी नहीं जाए, बदनामी नहीं मिले हमको। वहाँ पर सिर्फ उन लोगों को ले आकर रखा जो अच्छे हैं दिखाने के लिए, जो बेचारे को ऑक्सीजन ज़रूरत थी, जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, जिसको दवाई की ज़रूरत थी, उनको एक को नहीं रखा, क्योंकि उनके पास था ही नहीं कुछ, इन्हें कुछ व्यवस्था ही नहीं करी थी। तो ये सिर्फ नाम बदनाम करने के लिए किया। इंदौर शहर में एम्बाय अस्पताल, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, उसको कोरोना के लिए नहीं बनाया। उसके बाद से मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, हॉस्टल हैं, कोरोना के अंदर सिर्फ बेड लगा देते, उनको छोटी मोटी दवाई देते, सिर्फ मरीज को लगता शरीर में कि मैं अस्पताल में भर्ती हो गया, आधे मरीज तो ऐसे ही ठीक हो जाते। दो भगवान ने, एक ऊपर वाला भगवान, एक डॉक्टर, डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, अस्पताल नहीं मिल रहा था, इन दोनों से मिल रहे था मरीज अपने आप ठीक हो जाता, परंतु कोई व्यवस्था नहीं करी। लोग गाड़ियों में मर रहे थे, गाड़ियों से जा रहे थे, रोड पर गाड़ियों में खड़े हुए थे, और अस्पतालों में जगह नहीं थी, परंतु इन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करी। सिर्फ रेसिडेंसी में बैठ के भारतीय जनता विधायक और अधिकारी सिर्फ चाय पी रहे थे और वहाँ सिर्फ ढिरोली कर रहे थे, और हम लोगों को एक बार भी मीटिंग में नहीं बुलाया। इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि हम जनता के बीच में जाके हमने देखा था कि कोरोना महामारी में क्या हो रहा है, सब भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई अपने अपने घर में बैठा है, आप सब नेताओं ने अपने अपने मोबाइल बंद कर रहे हैं। इसी की बात करें तो आपने कई भाजपा नेताओं का पर्दाफाश करा था, इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे, उसके बावजूद भी उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए कुछ मैं आपको बताना, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है, इंजेक्शन भी गए, भारतीय जनता पार्टी लोगों को इंजेक्शन क्यों मिल रहे थे, जनता को क्यों नहीं मिल रहे थे, कार्यकर्ताओं को मिल रहे थे, उनको पब्लिक को क्यों नहीं मिल रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी का जो नीचे का कार्यकर्ता वही परेशान था,
और मोहल्ले के नेता कार्यकर्ता परेशान थे, जिनने रात दिन मेहनत करी उनको नहीं मिले, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिले सिर्फ, उन कार्यकर्ताओं को नहीं मिले, वो उनको भी याद है, जनता को भी याद है, ये चुनाव है, वक्त है बदलाव का, उनने सब देखा है, नगरीय में क्या हो रहा है, कोरोना महामारी में क्या हो रहा है, प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है, देश में कैसे चल रही है, महामारी पूरी दुनिया के अंदर चल रही है, उसके अलावा महंगाई चरम पे, डीजल का भाव, पेट्रोल का भाव, तेल का भाव, आटे का भाव, गैस की टंकी का भाव, सब है, कोई चीज़ को कंट्रोल करने वाला नहीं है, ये तो सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जनता कुछ भी हो हमको तो सत्ता में रहना है, कुछ भी हो जाए, अपने आप में इतना घमंड है कि हम तो किसी को भी खड़ा करेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, जनता हमको वोट दे देगी, पैसे से खरीद लेंगे, जनता अब बिकने वाली नहीं है, पैसे से खरीदना होता जनता ने देखा है, ये पैसे से आपने खरीदा है और उसके बाद उन जनता को ही लूटा है, एक जनता को 2,000-2,500 रुपये देंगे जनता, देखने तो कितना भी रुपया बांट दो, पैसा रुपया बांटोगे वो रख लेंगे, परंतु वोट आपकी वक्त है बदलाव का, कांग्रेस पार्टी के मेयर को जिताए देंगे, पार्षदों को देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली का देख लीजिए, दिल्ली के अंदर वही केजरीवाल जी की सरकार ना टैक्स बढ़ाया, ना कुछ संपत्ति के बढ़ाया, ना कोई टैक्स बढ़ाया, उसी पैसे से आज देखिए वहाँ पर नगर निगम पूरा पानी फ्री गया है, बिजली फ्री है, अस्पताल हर वार्ड में बना दिए, स्कूल बना दिए, कंप्रोमाइज बना दिए, परंतु आम जनता के ऊपर एक भी भार नहीं बढ़ाया, ये लगातार भार बढ़ाए जाते हैं, कचरे के नाम पर अलग पैसा ले रहे हैं, संपत्ति के नाम पर अलग, पानी पे डबल, बिजली पे अलग, इसका अलग, और लाइटों को जो नगर निगम लगाना चाहिए उसका पैसा कॉलोनी से वो अलग, हर चीज़ का जनता परेशान हो गई है, वक्त बदलाव का एक बार मौका है, सब बदला लेंगे और भारतीय जनता पार्टी मुंह तोड़ जवाब देंगे कि आपका लोकसभा भी बनाया, विधायक भी बनाए, पार्षद भी बनाया सालों से, परंतु आपने हमारे लिए क्या करा, ये वक्त बदलाव का, और जो मैं जानती है मैंने विधानसभा में क्या करा, पार्षद में क्या करा, कोरोना महामारी में क्या करा, चाहती है कि हमारा बेटा आना चाहिए जो कर सकता है, भगवान की दुआ से मुझे घर नहीं भरना है, मैं उस शहर का विकास करना है, शहर का कर्जा उतारना है जो शहर ने मुझे दिया है, शहर ने आज मान सम्मान पार्षद विधायक और आज महापौर बनाने जा रही, उसके लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा, मेरा परिवार जो सब सक्षम है, परंतु मैं लोगों से भ्रष्टाचार नहीं करना है, जो टेंडर में देखा दिल्ली में कहीं भी 80-80 करोड़ के होते थे, वही केजरीवाल ने 30-30 करोड़ रुपये में काम करा के दिखाया, मतलब 50-50 करोड़ का भ्रष्टाचार सब दूर हो रहा है, वो पैसा कहाँ जाता है, नेताओं के पास जाता है, अधिकारियों के पास जाता है। हाँ भैया, जैसा कि आपने बताया नगर निगम भ्रष्टाचार का गढ़ है, ये सर्वविदित है, आप मेयर बनते हैं, जनता चुनती है, तो किस तरह वो सिस्टम सुधारेंगे, कहीं ना कहीं वो अधिकारियों का बोलबाला है। अरे आपने 20 साल से देखा हो, मध्य कोर की सरकार थी 25 साल पहले, वो खुद नगर निगम बैठते 3-6 बैठते थे, कमिश्नर बैठता था, सिटी इंजीनियर, बाकी अधिकारी सब नगर निगम बैठते थे, परंतु ये 20 साल से ऐसा ढर्रा बिगड़ा इंदौर शहर का, ना कमिश्नर कोई नहीं बैठता, सब ने अपने अपने पर्सनल ऑफिस अलग बना रखे, सिर्फ उन नेताओं को ही को मालूम है कहाँ बैठते हैं, आम जनता तो वहाँ पूछ ही नहीं पाती, वैसा नहीं होऊंगा नगर निगम में, मैं खुद भी बैठूंगा, कमिश्नर को भी बिठाऊंगा, आम जनता को बिठाऊंगा, वहाँ पर जनता दरबार भी लगेगा, वहीं आम आदमी समस्या दूर होगी, और आज तक जनता ही बताती है हमारे वहाँ क्या दिक्कत है, वो काम होना चाहिए, चुनाव मोहल्ले का है, हमारे शहर का है, हमने वार्ड का चुनाव है, कोई लोकसभा नहीं है, कोई विधानसभा नहीं है, या हमारी माताओं बहनों का चुनाव है, क्यों उनको ही रात दिन मेहनत करना पड़ती है, उनको मालूम है कि घर में बाहर कचरा पड़ा हुआ, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली खंभे नहीं लगे, माताएं बहनें जो उनके बच्चे रोड पर निकलते हैं, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, ये उसका चुनाव है, ये कोई नेता या पार्टी का देश का चुनाव नहीं है। ये जैसा कि आपने बताया स्वच्छता में इंदौर 5 बार नंबर बनाया, लेकिन इसका श्रेय कहीं ना कहीं अधिकारियों के बजाय भाजपा आज ले रही है मार्केट में, वही प्रचार प्रसार कर रही है, क्या मानते हैं आप, एक क्या सही है इस तरीके? मैंने आपको पहले ही बताया 5 साल 3-5 बार नंबर बनवाया, 5 बार में 3 बार कोई मेयर नहीं था, उसके बाद भी जनता ने ही नंबर वन बनाया, हमारे सभाई मित्रों ने बनाया, अधिकारियों ने बनाया, जनता ने पैसा डबल दिया उसने बनाया, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कोसा कोई योगदान नहीं है, केंद्र प्रदेश सरकार का योगदान नहीं है, जिन लोगों का सम्मान करने चाहिए उनको पैसे नहीं दिए, मेरे चिल्लाने के बाद दिए, मल्ली सरकार ने तत्काल दिए, इसके पहले नंबर वन बार नहीं दिए, जब हम लोग लड़ाई लड़ी विधानसभा में और शहर में लड़ाई तो सभी मित्रों को पैसा दिया, उसके अलावा जो शहर में सम्मान करना चाहिए गौरव दिवस पर लाखों करोड़ों उजाड़ दिए, काम करना चाहिए, गौरव दिवस मनाना चाहिए, परंतु इंदौर के जो प्रतिभाएं जिन्होंने इंदौर का नाम देश में दुनिया में नाम रोशन करा, जैसे लता मंगेशकर नाम रोशन करा, ऐसे इंदौर में एक पलक मुच्छाल हमारी बेटी है जिसने नाम रोशन किया इंदौर का और देश का नाम रोशन किया, इंदौर में 12 साल से लगातार गा गा के राजबाड़े पे रिगल चौराहे पे इंदौर के बच्चों को जिसको हार्ट बच्चे दिया था उसके लिए पैसा इकट्ठा करती हुई आज उसने कहाँ नाम बजाया, हज़ारों बच्चों इलाज कराया, पर उसका सम्मान इसलिए नहीं किया कि वो फ्री में आके सम्मान करती, फ्री में आके गौरव दिवस आती, परंतु लाखों 50
50 लाख रुपए एक एक कलाकारों को दिया, उनका सम्मान किया। बंधु जो देश के, अपने घर के, अपने परिवार को लोगों का सम्मान नहीं करा, जो अपने परिवार का सम्मान नहीं कर सकता तो शहर का क्या सम्मान करेगा, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करेगा। एक उषा ठाकुर जो कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने एक बयान दिया है कल, देशद्रोही और देशभक्त का चुनाव है। क्या मानते हैं, देशद्रोही किसे बता रही है और देशभक्त किसे बता रही है? ये तो वही जाने, उषा ठाकुर जी जाने, उनको तो बोलना है कुछ भी। आपने देखा कोरोना महामारी में एयरपोर्ट के सामने जाके वहाँ बैठ गई, वो बोलती है आप जाके मंदिर में जाइए, पूजा पाठ कीजिए, कोरोना भाग जाएगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे ऐसे बयान दिए जिससे लोग, हज़ारों लोग मर गए जिन्होंने इलाज कराना चाहिए, परंतु वो आह्वान कर रही हैं, परंतु उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था करी, डॉक्टर की व्यवस्था करी, मरीजों की व्यवस्था करी, उनके लिए कुछ व्यवस्था करी, और वो ऐसे बयान देंगी। और ये जो बयान दिए, ये वही जाने, जनता है, जानती है, चुनाव अपने मोहल्ले का, अपने परिवार का चुनाव है, अपने क्षेत्र का चुनाव है, देश का चुनाव नहीं है, प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये अपने परिवार का चुनाव है, जिसमें जनता ने 20 साल आपको दिए, अब वक्त है बदलाव का, बदलाव करेगी जनता। जैसा कि आपने सुना, इस वक्त नगर निगम चुनाव में जो मेयर प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से संजय शुक्ला जी, उनका कहना है कि इस वक्त बदलाव का दौर आ गया है और जल्द ही 1999 के बाद अब इंदौर नगर निगम में कांग्रेस काबिज होगी। लोकतंत्र न्यूज़ के लिए कैमरामैन अजय सालवे के साथ अमित त्रिवेदी, इंदौर।